उसके पति के उनके साथ घटना हुई थी, महिला का अपहरण कर लिया गया था और जब पति थाना बिछवा में शिकायत करने के लिए गया तो थाना अध्यक्ष बिछवा द्वारा उसके साथ मारपीट की गई, दुर्व्यवहार किया था। इस संबंध में थाना अध्यक्ष बिछवा उसके जो साथ के हमराही थे उनको सस्पेंड कर दिया गया है और पीड़िता के पति के तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। मेडिकल रिपोर्ट से भी रेप की पुष्टि नहीं हुई है, फिर भी हम हर एंगल से जांच कर रहे हैं और जो आपराधिक संबंध में महात्मा सुराग लगे हैं हम शीघ्र की घटना खुलासा करेंगे। कितने हमराइयों को सर सस्पेंड किया गया? दो। और ये जो चेकिंग अभियान क्या स्थिति है? चेकिंग अभियान हमारा लगातार चेकिंग हमारी चल रही है और हमें चार टीम इस समय काम कर रही हैं और उम्मीद है बहुत जल्दी घटना खुलासा हम करेंगे। प्रतिनिधिमंडल बसपा नेताओं के साथ यहाँ डीएम साहब से मिलने आया था, क्या मामला था, किस मामले पे आया? जो घटना कल हुई है इटावा के पति पत्नी जो दंपत्ति और जिले के सिकंदराबाद से आ रहे थे, उनकी बहन की डेथ हो गई थी, कुरावली और बिछवा के बीच में साइड से टक्कर मारकर उस महिला का अपहरण कर लिया गया। जैसा कि उस महिला ने बयान दिया है पीड़ित ने तो उसके साथ गाड़ी में दो लोगों ने रेप किया है और जब इस घटना की सूचना देने तो उनके पति बिछवा थाने में गए तो ऐसो बिछवा ने बेरहमी से पिटाई की है। हमारे प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक से वो ज्ञापन देकर ही मांग की है तो उस पीड़ित की डॉक्टरी माना कराया जाए और सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज करके कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। कौन सी ऐसी वजह बनी जिसमें आपको स्वयं आना पड़ा आप लोग प्रतिनिधिमंडल के साथ या पुलिस? पीड़ित पक्ष की महिला का ये कहना है कि हमारा डॉक्टर माना सही नहीं गया, हमने जिलाधिकारी से मांग की है किसी अन्य लीगल मेडिकल कॉलेज से जो वैध हो एक टीम बनाकर पुनः डॉक्टरी माना कराया जाए।